टू माय चैनल, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी और वीडियोस की तरह आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओवुलेशन के बाद जो 2 हफ्ते का टाइम होता है वो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन वाला टाइम होता है, स्पेशली जब आप बच्चा कंसीव करने की ट्राई कर रही हैं, प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ओवुलेशन होने के बाद। यानी कि आप डबल माइंडेड होती हैं, आपको श्योर नहीं होता कि आप मे बी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं ओवुलेशन टाइम में या फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हैं। तो आपके दिमाग में ये रहता है कि आप ऐसा कौन सा काम करें या कौन सा काम ना करें जिससे इस प्रेगनेंसी को कोई नुकसान ना हो, कि अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो ये इम्प्लांटेशन बिल्कुल सही और फिट बैठ जाए, इसके लिए आपको कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये वाली चीज़ जो है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमती है ऑपरेशन के बाद वाले 2 हफ्तों में। सिर्फ नॉर्मली कंसीव करने के लिए नहीं, अगर आप IVF या IUI करवाना चाह रहे हैं तब भी आपके लिए ये बातों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखिए, अगर आपका ओवुलेशन सही हुआ है, आपका एग फर्टिलाइज्ड हुआ है, तो आपका इम्प्लांटेशन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जानते हैं आज की इस वीडियो में कि वो कौन कौन सी बातें हैं और इन बातों का कैसे ध्यान रखना है, कौन सी बातों को फॉलो करना है, कौन सी बातों पर ध्यान नहीं देना है, ये सारा एक्सप्लेन करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी जरूर वॉच किया कीजिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। ओवुलेशन पीरियड निकलने के बाद जो सबसे पहले आपको काम करना है जिसके लिए कि आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल सही हो जाए, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना है या फिर आपको दौड़ना भागना शुरू कर देना है या फिर आपको योगिंग स्टार्ट कर देना है, रनिंग स्टार्ट कर देना है, साइकिलिंग स्टार्ट कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमें वो एक्सरसाइजेस करनी है जो आपके इम्प्लांटेशन को सही और सूटेबल बने, वो एक्सरसाइज करनी है जो आपके इम्प्लांटेशन को सफल साबित करे, जैसे कि लेग अप द वॉल। जी हाँ, लेग अप द वॉल, जो लेग अप द वॉल वैसे एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक योगा पोजीशन है जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। यूट्यूब चैनल पे भी ढूंढेंगे तो आपको लेग अप द वॉल वीडियो मिल जाएगी, अगर यूट्यूब पे नहीं मिलती तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेग अप द वॉल वीडियो जो है मिल जाएगी। तो इस पोजीशन को किस तरीके से करना है उस वीडियो में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि लेग अप द वॉल करने से क्या होगा, यानी कि ओवुलेशन के बाद लेग अप वॉल का क्या फायदा है। तो इसका फायदा यह है कि लेग अप द वॉल करने से आपके यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिससे आपकी यूट्रस स्ट्रांग होगी। आपकी यूट्रस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपकी इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। नंबर 2 पे आपको योग करना है, वो है बटरफ्लाई योगा। जी हाँ, बटरफ्लाई योगा पे भी मेरी वीडियोस हैं, टिकटॉक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है और शायद यूट्यूब चैनल पर भी होगी, मैं श्योर नहीं हूँ, अगर हुई तो मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी। अदरवाइज जो वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे ना मिले वो आपको इंस्टाग्राम पे जरूर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। बटरफ्लाई आसन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ओवुलेशन के बाद के 2 हफ्तों के लिए। ये आपके एग को सही तरीके से फर्टिलाइज्ड करने और इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प फूल होता है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बटरफ्लाई आसन करके सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हुई हैं, सक्सेसफुली कंसीव करवाई हैं। बटरफ्लाई योगा आसन का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये आपको डिप्रेशन से दूर रखता है। और जैसे कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुली कंसीव करना है, आपको सक्सेसफुली ओवुलेशन का फ़ायदा लेना है और आपको बच्चा लेना है तो आपको डिप्रेशन से दूर रहना ही पड़ेगा। अगर आप अपने दिमाग में स्ट्रेस लेके चलोगे कि मुझे बच्चा कंसीव करना है तो आपको बच्चा कंसीव करने में बहुत मुश्किल आएगी। बटरफ्लाई आसन जो है आपके माइंड को भी रिलैक्स रखता है, आप इसके अलावा प्राणायाम भी कर सकते हैं, वो भी आपके माइंड को काफ़ी हद तक आपके मेडिटेट करता है आपके दिमाग को। तो आप बटरफ्लाई आसन या फिर प्राणायाम, दोनों में से कोई भी योगासन कर सकते हैं ओवुलेशन के बाद के 2 हफ्तों में। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस किस बात का, होता ऐसे ही कि जैसे ही ओवुलेशन पीरियड निकलता है, आपने ओवुलेशन के 3-4 दिनों में कंटिन्यूसली ट्राई किया, अब इसके बाद अगले 2 हफ्ते आपके यही सोच सोच के निकलते हैं कि क्या मैंने कंसीव कर लिया होगा, क्या सक्सेसफुली इम्प्लांट हो गया होगा, एग फर्टिलाइज्ड हुआ होगा,
क्या मैं इस बार प्रेग्नेंट हो पाऊंगी या नहीं, ये सारे सवालों में हम 2 हफ्ते इतने ज़्यादा उलझे रहते हैं, 2 हफ्ते से भी कई बार 3 हफ्ते, क्योंकि पीरियड मिस होने के लिए आपकी पीरियड्स की सही डेट आने के बाद का भी 1 हफ्ता आपको वेट करनी पड़ती है। तो ये 3 हफ्ते आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। ऐसे हालात में अगर आप हल्का फुल्का योग करती हैं, बटरफ्लाई आसन करती हैं, प्राणायाम करती हैं, तो आपको डिप्रेशन से काफ़ी राहत मिलेगी। आप मेडिटेशन भी कर सकती हैं, आप अपने जिस भी भगवान को मानती हैं उनका नाम लीजिए, 10-15 मिनट आंखें बंद करके पूरी दुनिया को भूल जाइए, मेडिटेट कीजिए सुबह 10 मिनट, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स माइंड मिलेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए आपका माइंड फ्रेश और हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। बटरफ्लाई आसन का एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि आपके जो बॉडी का निचला पार्ट है, यानी कि आपके यांगों के नीचे निचला जो पार्ट है, यूट्रस के नीचे वाला जो सारा पार्ट है, प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो जाएगा, सर्कुलेशन बिल्कुल सही रहेगा, जिसकी वजह से आपके यूट्रस जो है स्ट्रांग बनेगी। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लेग अप द वॉल कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, बटरफ्लाई योगा कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा कोई भी और टाइप की मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको 10 या 15 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं करना है। कोशिश करें कि अगर ये आपकी स्टार्टिंग है, आप पहली बार कर रहे हैं, तो 5 मिनट से ज़्यादा ना करें। 5 मिनट अगर आपने इस टाइम नहीं कंसीव किया है, आपको नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करना है, तो आप टाइम थोड़ा बढ़ा सकती हैं। इस बार आप लेग अप द वॉल, बटरफ्लाई, ये सारे योगासन 10 मिनट के लिए कर सकती हैं ओवुलेशन के बाद वाले 1-2 हफ्तों में। चीज का और ख्याल रखें, जब आप बच्चे के लिए ट्राई कर रही हैं, तो ओवुलेशन के बाद आपको कोई भी भारी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं है, ज़्यादा हैवी चीज़ों को नहीं उठाना है। हो सकता है कि आप कंसीव कर चुकी हो, सब कुछ सही हो चुका हो, इम्प्लांटेशन हो चुकी हो, लेकिन आपकी किसी गलती की वजह से आपको दोबारा से पीरियड आ जाए या फिर अर्ली मिसकैरेज हो जाए, तो ओवुलेशन के बाद वाले 3 हफ्ते पूरा केयरफुल रहना है, अपना ख्याल रखना है, और जो भी एक्सरसाइज आप कर रही हैं वो बिल्कुल हल्की फुल्की होनी चाहिए, आपके इम्प्लांटेशन पे कोई भी बुरा असर ना पड़े। इसके अलावा एक चीज़ और जो आपको ख्याल रखनी है, वो है सन बाथ। जी हाँ, सन बाथ यानी कि आपको धूप लेनी है दिन में आधा घंटा, 15 मिनट 20 मिनट, डिपेंड करता है मौसम कौन सा है। अगर गर्मियों का मौसम है तो 5-7 मिनट आप धूप में खड़े हो सकते हैं, अगर सर्दियों का मौसम है और धूप निकल रही है हल्की फुल्की, तो आप आधा घंटा भी खड़े रह सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि एक तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा, इसके अलावा आपका माइंड फ्रेश होगा, आप रिलैक्स फील करेंगी, अच्छा महसूस करेंगी, बहुत ही ज़रूरी है आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के लिए। ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ओवुलेशन के बाद वाले 2 हफ्तों में, लेकिन एक चीज़ और, रस्सी कूदना जो हैवी एक्सरसाइज में नहीं आता, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा आप स्विमिंग अगर करती हैं तो वो आप कर सकती हैं, कंटिन्यू रख सकती हैं, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड के लिए, ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन स्विमिंग करती रहें। जंक फूड ना खाएं, ज़्यादा तला भुना हुआ मसालेदार खाना ज़्यादा ना खाएं। आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप बेबी के लिए ट्राई कर रही हैं, आप अभी अभी ओवुलेशन से गुजरी हैं, हो सकता है कि आप माँ बनने वाली हों, इस टाइम के दौरान अच्छी डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी डाइट लें, प्रॉपर नींद लें, खुश रहें, जो डेली का वर्क है उसको ध्यान से करें, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का किसी भी तरह का लोड आपको नहीं लेना है। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं ओवुलेशन खत्म होने के, जब आप ओवुलेशन के 4 दिनों में ट्राई कर चुकी हैं बच्चे के लिए, उस ओवुलेशन पीरियड खत्म होने के बाद के जो 2 हफ्ते बचते हैं, 2-3 हफ्ते, जब तक कि आपको कन्फर्म नहीं हो जाता कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या नहीं, उस टाइम के दौरान जिन बातों का आपको ध्यान रखना है 2-3 हफ्तों में, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इम्प्लांटेशन जरूर सक्सेसफुल होगा, इस बार नहीं तो दूसरी बार आप जरूर कंसीव करेंगी, अगर कोई आप में बड़ा इशू नहीं है तो। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कर लिया कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली और वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर गाइडेंस मुझसे चाहती हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकती हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।